किस ग्रह के चारों ओर रिंग बनी हुई है? नंबर एक शनि, नंबर दो मंगल, नंबर तीन यूरेनस, नंबर चार प्लूटो। आंसर होगा शनि। ट्रिक होगी, शनि महाराज के आराध्य लोहे की बनी रिंग अर्थात अंगूठी पहनते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? नंबर एक शुक्र, नंबर दो मंगल, नंबर तीन बुध, नंबर चार उक्त सभी। आंसर होगा मंगल। अगर इसकी ट्रिक याद करनी है तो मंगलवार, मंगलवार हनुमान जी का बार है और हनुमान जी लाल वस्त्र पहनते हैं। धूप में बैठने से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? नंबर एक ए, नंबर दो बी, नंबर तीन सी, नंबर चार डी। आंसर होगा डी। ट्रिक होगा धूप में बैठकर डिगी मती। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? नंबर एक सौर ऊर्जा, नंबर दो परमाणु ऊर्जा, नंबर तीन पवन ऊर्जा, नंबर चार भूतापी ऊर्जा। आंसर होगा सौर ऊर्जा। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है? नंबर एक नाभिकीय विखंडन द्वारा, नंबर दो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, नंबर तीन नाभिकीय संलयन द्वारा, नंबर चार श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा। आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। कूड़ा करकट में मुख्य रूप से होते हैं? नंबर एक अकार्बनिक पदार्थ, नंबर दो कार्बनिक पदार्थ, नंबर तीन हाइड्रोजन यौगिक, नंबर चार उक्त सभी। आंसर होगा कार्बनिक पदार्थ। गोबर गैस बनाने के बाद शेष बचे पदार्थ को कहते हैं? नंबर एक खाद, नंबर दो मैथेन, नंबर तीन सलरी, नंबर चार उक्त सभी। आंसर है सलरी। गोबर गैस में मुख्य ज्वलनशील अवयव है? नंबर एक ऑक्सीजन, नंबर दो मीथेन, नंबर तीन हाइड्रोजन, नंबर चार नाइट्रोजन। आंसर होगा मीथेन। गोबर गैस संगठन में मीथेन का प्रतिशत होता है? नंबर एक 55%, नंबर दो 45%, नंबर तीन 12%, नंबर चार 45%। आंसर होगा 55%। सलरी काम में आता है? नंबर एक उर्वरक के रूप में, नंबर दो ऊर्जा के रूप में, नंबर तीन खाद्य पदार्थ के रूप में, नंबर चार उक्त सभी। आंसर होगा उर्वरक के रूप में। कचरे से ऊर्जा किस विधि से प्राप्त होती है? नंबर एक तापीय आसवन, नंबर दो भंजन, नंबर तीन किण्वन, नंबर चार इसमें से कोई नहीं। आंसर होगा तापीय आसवन। कचरे के तापीय आसवन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? नंबर एक मीथेन, नंबर दो एथेन, नंबर तीन अमोनिया, नंबर चार इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा मीथेन। गहरी खानों में गहराई के साथ ताप नंबर एक बढ़ता है, नंबर दो घटता है, नंबर तीन स्थिर रहता है, नंबर चार इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बढ़ता है। आज किसी देश की प्रगति का मापक है? नंबर एक जनसंख्या, नंबर दो ऊर्जा की खपत का अधिक होना, नंबर तीन परमाणु शक्ति, नंबर चार उक्त सभी। ऊर्जा की खपत का अधिक होना। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? नंबर एक बुध, नंबर दो शुक्र, नंबर तीन प्लूटो, नंबर चार बृहस्पति। आंसर होगा शुक्र। ट्रिक, पृथ्वी के लोग सबसे नज़दीक आने पर शुक्रिया अदा करते हैं। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहते हैं? नंबर एक बुध, नंबर दो शुक्र, नंबर तीन मंगल, नंबर चार उक्त सभी। आंसर होगा शुक्र। और ट्रिक होगी, भोर का तारा शुक्र जा, मॉर्निंग स्टार कहे जा। दालों में सबसे अधिक होता है? नंबर एक प्रोटीन, नंबर दो खनिज, नंबर तीन वसा, नंबर चार कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर होगा प्रोटीन। इसकी ट्रिक होगी, दालों के पटोलिया खाते जाओ। सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? नंबर एक दूध,
नंबर दो सोयाबीन, नंबर तीन दाल, नंबर चार इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा सोयाबीन। ट्रिक, पोटली भर सोयाबीन घर में रखनी है, प्रोटीन बढ़ाना है। निर्माणकारी पदार्थ कहलाते हैं, नंबर एक प्रोटीन, नंबर दो विटामिन, नंबर तीन कार्बोहाइड्रेट, नंबर चार वसा, आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य कार्य है, नंबर एक ऊर्जा प्रदान करना, नंबर दो कोशिका निर्माण, नंबर तीन शारीरिक वृद्धि, नंबर चार उक्त सभी, आंसर होगा उक्त सभी। दूध, मांस, अंडों से हमें कौन सा पदार्थ अधिक मिलता है, नंबर एक कार्बोहाइड्रेट, नंबर दो प्रोटीन, नंबर तीन वसा, नंबर चार विटामिन, आंसर होगा प्रोटीन। सब्जियों से मुख्यतः हमें मिलते हैं, नंबर एक विटामिन, नंबर दो प्रोटीन, नंबर तीन शर्करा, नंबर चार वसा, आंसर होगा विटामिन। घी और तेल में मुख्यतः हमें मिलते हैं, नंबर एक विटामिन, नंबर दो प्रोटीन, नंबर तीन शर्करा, नंबर चार वसा, आंसर होगा वसा। कार्बोहाइड्रेट की काफ़ी सप्लाई के लिए क्या खाना चाहिए, नंबर एक चावल, नंबर दो गाजर, नंबर तीन चना, नंबर चार मांस, आंसर होगा चावल। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है, नंबर एक ए, नंबर दो बी, नंबर तीन सी, नंबर चार डी, आंसर होगा सी। ट्रिक होगी घाव भरना जरूरी सी।